सिराना के गिला की ढाणी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। साइला उपखंड के सिराना ग्राम पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिला की ढाणी में सिराना संकुल स्तरीय 66वीं खेलकूद प्रतियोगिता का मंगलवार को उद्घाटन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते सरपंच हमीराम देवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिराना PEO श्रीराम शर्मा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के नाते पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि डालूराम, सोसाइटी अध्यक्ष मनोज सिंह, हेम सिंह राजपुरोहित, प्रभुराम, बाबूराम सिलका, नारायण सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम माँ सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरपंच हमीराम देवासी ने खेल को खेल की भावना से खेलने की बात कही। वहीं श्रीराम शर्मा ने कहा कि सभी छात्रों को आपसी प्रेम भाव से रहकर खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी खेल जीवन में आगे बढ़कर अपने माता पिता गांव एवं देश का नाम रोशन करें। इस दौरान अतिथियों के द्वारा झंडारोहण कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इससे पहले अतिथियों ने खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ एवं उद्घाटन की घोषणा की। इस मौके सिराना संकुल क्षेत्र के अध्यापकगण एवं खेलकूद में भाग लेने वाले विद्यार्थी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रधान अध्यापक गुलाब सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में 18 टीमों के 190 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। वह कार्यक्रम के अंत में सभी का आभार जताया। इस दौरान RP लुम्बाराम, हीर सिंह, गुमान सिंह, विक्रम सिंह, हिंदू खां, ईश्वर सिंह, भूमाराम, अच्छलाराम, रामकिशन चारण, रूपाराम, रमेश जलवाणिया, मादाराम, वचनाराम, प्रजापत, हाजाराम देवासी, देवाराम, अन्नाराम, लिखमाराम, प्रकाश सारण सहित कई जने मौजूद रहे। कुल की तरफ से बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और बच्चे अपना खेल खेल की भावना से खेले। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाई करना ये भी एक नहीं है, खेल भी साथ में खेलना चाहिए और तन मन धन से खेल खेलना चाहिए। और खेल की रुचि होनी चाहिए। जिस खेल में रुचि होती है वो ही आगे बढ़ता है। जैसे खो खो है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, जिसकी अलग अलग जो बच्चे होते हैं उसमें अलग अलग भावना होती है कि मेरे को खो खो में आगे जाना है, वॉलीबॉल में आगे जाना है। और थोड़ा